विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के बाद अब उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। शिमला शहरी से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चंद्राथा ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। हरीश चंद्राथा बुधवार को शिमला के एनाडेल में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही बाजार में प्रचार किया और लोगों से सहयोग की अपील भी की। हरीश चंद्राथा ने दावा किया कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से शिमला शहरी से सत्ता से बाहर है और जो ग्रहण लगा है इस बार उसे तोड़ा जाएगा और शहर की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। उन्होंने कहा कि वे शिमला शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और उनका पूरा जीवन ही गुजरा है और शहर की समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ है। शहर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर एम्बुलेंस सड़कें नहीं है। शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है जिसे दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा पानी की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इसका भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर के लिए काफी ज्यादा पैसा मिला है लेकिन पोलिंग ना होने के चलते पूरा पैसा बर्बाद किया गया है। जिस तरह से शिमला शहर में काम होना चाहिए था वे नहीं हुआ, जबकि शहर के वार्डों में काम लोगों की राय लेने के बाद किया जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने केवल डंगे लगाए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो हाईकमांड है, प्रियंका मैम, सोनिया मैम, प्रियंका मैम, राहुल जी का और हमारे हिमाचल के जो समस्त हमारे जो पीसीसी है रानी साहिबा और हमारे ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पे है राजीव शुक्ला जी और पूरी पार्टी का कि उनने मुझ पे विश्वास दिलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज चल रहा था तो हमें इस बार विश्वास है कि वो एक हम उस ग्रहण को तोड़ेंगे और कांग्रेस यहाँ पे बहुमत से जीत के, अच्छे मार्जिन से जीत के हम विधानसभा में जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो जितना पैसा इस बार ही आया स्मार्ट सिटी में, मेरे ख्याल में शिमला शहर की हिस्ट्री में इतना पैसा कभी नहीं आया था, तो उसका यूटिलाइजेशन जो वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। उसमें उनकी जितने लाइक विजन थी, जो लाइक जैसा लाइक उनने सोचा था उसके मुताबिक उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट किया कि जो कि बिल्कुल ही किसी भी आम जनता के काम नहीं आ पाया और जो उसकी वेस्टेज हुई है। इतना पैसा आने से सबसे पहले एक प्लान बननी चाहिए थी शिमला शहर के लिए और वो पब्लिक में जानी चाहिए थी और पब्लिक उसको बताती कि उनकी क्या नीड है। जब इतना बड़ा अमाउंट और इतनी बड़ी प्लान शिमला शहर के लिए आई है तो वार्ड वाइज काम होने चाहिए थे और लोगों को पूछ के कि उस वार्ड की क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाना चाहिए था। जो ये पैसा लगा ही है इसमें शेयर वेस्टेज हुई है और जो काम आपका नॉमिनल अमाउंट में होना था वो डबल अमाउंट में वो काम होता रहा जी। बचपन से इसी शहर में रहे हैं और बड़े पले हुए, हमारी एजुकेशन भी यहीं से है तो लगभग हम शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं और जो यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम्स है उनसे हम वाकिफ है। कई जगह एम्बुलेंस रोड्स नहीं है और मैक्सिमम जगह पार्किंग्स नहीं है और जो हमारा ये ट्रैफिक का जो प्लान है ये हर रोज ही आपके पास यहाँ पे शिमला शहर में जैम लगते हैं। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लोगों का आना जाना बहुत है यहाँ पे, तो उस ट्रैफिक को उस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो पानी की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है शहर के अंदर जो आपको इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम बैठ के एक प्लान बनाएंगे और वो जो प्लान बनेगी वो वार्ड वाइज एग्जीक्यूट होगी और वार्ड के जो लोग हैं, जो शिमला की जनता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स मतलब सामने लाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि रहना तो लोगों ने वार्ड्स में और डिफरेंट एरिया में जो यहाँ के लोग रह रहे हैं। तो अगर आपने स्मार्ट सिटी बनानी है, जिस चीज़ की जहाँ पर डिमांड है वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी बनाने के बजाय आपने इस सिटी को बहुत अगली बना लिया है और उस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने काम किया है मुझे लगा है उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई है जी।